आज मैं राहुल गांधी से तीन सवाल पूछना चाहता हूं। 11-12 में राफेल टेंडर में लोएस्ट था, फिर भी उस समय के रक्षा मंत्री ने कहा इसको फिर जांच करेंगे। क्या ये जांच करने का 8-9 साल के बाद इसीलिए रोका गया कि यूरो फाइटर के लिए लॉबिंग हो रही थी आपके पास? दूसरा सवाल, और ये सवाल और महत्वपूर्ण है। मैंने पहला सवाल बताया कि जब 7-8 साल के प्रयास के बाद राफेल को सबसे लोएस्ट टेंडर के रूप में पाया गया, तो फिर एकाएक क्यों उसको पुनर्विचार के लिए रोक दिया गया कि इस पूरे प्रोसेस को देखा जाए? किसके दबाव में? दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी राफेल का विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि यूरो फाइटर के लॉबिस्ट के वो दबाव में हैं, आज तक हैं? क्योंकि क्रिश्चियन मिशेल से अपने संबंधों को वो इनकार नहीं कर सकते। लीडिंग फैमिली की चर्चा अगस्ता वेस्टलैंड में भी हो रही है और यहां भी हो रही है। और राहुल गांधी, आपसे तीसरा सवाल यह है, देश की सुरक्षा के साथ कब तक खिलवाड़ करेंगे आप? आज वायुसेना को जरूरत है लड़ाकू विमानों की। पड़ोस के देश अपनी वायुसेना को मजबूत कर चुके हैं। बार बार सवाल उठाकर क्या आप देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं और वायुसेना का मनोबल तोड़ रहे हैं? ये तीन सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा। आज यह स्पष्ट है कि राफेल का पूरा विरोध दिखावटी है, क्योंकि राहुल गांधी राफेल के कॉम्पिटिटर के दबाव में हैं, ऐसा मैंने बताया। फ्रेंड्स, टुडे ए मीडिया हाउस हैड कम विथ डॉक्यूमेंट्स विच रिवील दैट द सेम मिडलमैन हु वेयर पुशिंग द केस फॉर अगस्ता वेस्टलैंड एंड वन ऑफ देम इज अंडर डिटेंशन अरेस्ट, वे आर ऑल्सो पुशिंग द केस फॉर यूरो फाइटर विच वॉज इन कॉम्पिटिशन विथ राफेल एंड द डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन शोन आर एक्सप्लोसिव इन नेचर। कि यूरो फाइटर के लिए किस तरह, हाउ टू चेंज द डील फॉर द यूरो फाइटर, एंड आई वुड लाइक टू रीड 4 लाइन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट विच इज नाउ इन पब्लिक डोमेन। This man should have worked in the MOD, know well on first name basis, not just the MOD, key bureaucrats and the minister, but also the PM, finance minister and the leading family, the document said. Why is it the leading family, namely the Gandhi family, appears in documents after documents, be it the Agusta Westland or be it द एयर फोर्स फाइटर प्लेन फॉर राफेल एंड दे आर कॉम्पिटेंट द यूरो फाइटर? द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स इन पब्लिक डोमेन रेज सीरियस सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेज ऑफ द इंटेंशन ऑफ राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी। इट इज टू वेल नोन कांग्रेस पार्टी इज नेवर हैप्पी अनलेस देर इज अ डील इन अ डिफेंस डील, be it Bofors, be it submarine, be it Agusta Westland. But now, in case of Rafael also, it is evident that there was a close proximity of the middlemen who were pushing the case of Eurocopter, Eurofighter, in contrast to Rafael. And in this light, the entire bogey of falsehood, entire campaign of canard unleashed by Rahul Gandhi in particular and the Congress party is completely false and based upon pure commercial competition interest. In this light, therefore, I have to ask 3 questions from Mr. Rahul Gandhi. Question number 1, Mr. Rahul Gandhi, please explain what proximity you and the family have with the middleman Christian Michel
and Guido Hoschke. How they are so sure that through your influence they can tilt the deal in favor of Eurofighter. Second, why is it that in spite of 7-8 years of filtration, tender process, test, when Rafael was found to be the lowest tender to the Dassault company, suddenly your previous government stopped it for reconsideration? Why? Because commission was not paid. And thirdly, how long you will keep on playing with India's national security? Country needs fighter plane. Adjoining countries have already reinforced their security wall. Therefore, are you, by raising all this, compromising national security and in many ways compromising the morale of the forces? I would like a proper answer for all this. The entire bogey of falsehood campaign against Rafael is now clear. It is actuated by extraneous interest to promote the competitor. Thank you.